एक सेकेंड, कैन यू माइक ले लीजिए, चिल्ला के बोल दो, ये पिक्चर का भी वैसे ही मूड है। एक्चुअली ये सवाल इसलिए आया क्योंकि मतलब शाहिद जिस स्टैचर के हैं, एक्टर स्टार हैं वो, 40 करोड़ ट्रेड कहता है कि उनकी फीस है, अरे दे दो मुझे यार। डेफिनेटली कम बोला आपने, कम बोला कर लेता हूँ, कम बोला है, आपको बाद में मिलेंगे बाहर। सर ये मैं कम बोला है, ये तंबोला है, इसका प्राइस पहले पता करो जाके। डेफिनेटली तो ये फिल्म मतलब उस हाई स्किल बजट की है, ठीक है, तो क्या OTT इस तरह की फिल्म को 100 करोड़ दे रहा है, या मतलब क्या कह सकते हैं हम? नहीं सर, हमने सबसे भाड़े पे लेके जियो को फ्री में दे दी पिक्चर। जितनी लागत है, जितनी जरूरत है, उतना OTT दे रहा है। आपको क्या लगता है IPL फ्री में आ रहा है, कितने का है? अच्छा देखो, यहाँ पे जो तीन लोग बैठे हैं, हम दुखी लग रहे हैं या खुश लग रहे हैं? सिंपल बात बताओ, अभी लुकिंग अनहैप्पी कि यार कहाँ फंस गए यार, क्या हम लग रहे हैं खुश बताओ? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, तो जवाब मिल गया तुझे यार। पैसों की बात नहीं करते, पिक्चर की बात कर लेते हैं यार, पैसा तो सब कमा रहे हैं। और कोई सवाल? मैथमेटिक्स में मत घुसो, गुड समझो। यस यस, दिस लेडी ओवर हियर, यस कैन वी हैव द माइक ओवर हियर प्लीज। एक सेकंड अली, अगर ये ऑनलाइन आ जाती है, जैसे OTT पर आती है, क्या फिल्म मेकर वो सैटरडे और संडे को बहुत रिलैक्स कर सकता है, या उस समय भी वही एंग्जाइटी रहती है कि यार क्या हो गया, क्या पिक्चर का क्या हुआ है? देखिए, आई ऑलवेज से दैट the quantification of numbers is the love that you get for your product. प्यार से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और वो आपके product को जब मिलता है आपको पता चल जाता है, चाहे वो box office हो चाहे वो OTT हो। As Himanshu said, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो लोगों को अब समझनी चाहिए वो ये है, जो मैंने पहले भी बोला, कि हम project नहीं बनाते, हम फिल्में बनाते हैं, और फिल्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है उसकी script, उसकी कहानी। अब वो कहानी डिसाइड करेगी कि ये फिल्म OTT पे आनी चाहिए या थिएटर में आनी चाहिए, ठीक है। और 90% कन्फ्यूजन ही यहाँ हो रहा है कि अब जब हम सर्टन फिल्में बना रहे हैं और वो बॉक्स ऑफिस पे बड़ा बिजनेस नहीं कर रही, तो हम ना फिल्म मेकर्स को क्वेश्चन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार ये पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं। पिक्चरें फ्लॉप नहीं हो रही, क्या वो कहानी सही जगह पर आई या नहीं आई? एज आई सेड, कोविड ने सब कुछ बदल दिया है, हर इंडस्ट्री को बदल दिया है। हम एंटरटेनमेंट इज़ एन इंडस्ट्री, तो हमें अपने दिमाग के साथ एक सलाहियत से एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि एक कहानी है, क्या उसकी 100% जस्टिफिकेशन एक OTT प्लेटफॉर्म पे होगी, जो एक पर्सनल व्यूइंग प्लेटफॉर्म है। व्हेन आई से OTT, आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देखते, OTT आप अपने फ़ोन पे देखते हैं, अपने iPad पे देखते हैं, या अपने TV पे देखते हैं जब आप अकेले होते हैं। और कई बार ऐसा हो सकता है, हो सकता कि आपको पसंद हो, आपके भाई को पसंद ना हो, आपकी वाइफ को पसंद ना हो, आपके पेरेंट्स को पसंद ना हो, उनको कुछ और OTT पे पसंद आ रहा हो। सो ये पूरा एक साइंस है, उस साइंस को आपको अडेप्ट करना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से कहानियाँ कहनी पड़ेंगी। एंड द नंबर्स विल गिव यू द वैलिडेशन कि वो काम लोगों को पसंद आया या नहीं आया। इट्स नेवर क्वांटिफाइड कि 100 करोड़ क्लब में आई, 200 करोड़ क्लब में आई, 300 करोड़ क्लब में आई। दैट्स नॉट द वैलिडेशन ऑफ सक्सेस एनी मोर व्हेन इट कम्स टू OTT।